नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार में इस समय बवंडर आ रखा है, आप ये मान सकते हो। 300 पॉइंट गिरने के बाद 300 पॉइंट ऊपर हो गए हैं, लगभग 600 पॉइंट्स का मूव शुरुआती दो घंटे में देखने को मिल रहा है। ढाई घंटे करीब अमेरिका के बाजार खुले हुए हुए हैं, जिसमें बड़ा उठापटक, बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है आपको। अमेरिका के बाजार अपने जॉब्स डाटा के बाद गिरे, 300 पॉइंट गिरे इनिशियली मार्केट खुलने के एक घंटे में, और वहां से रिकवरी आई वन साइडेड। मार्केट पूरा का पूरा 300 पॉइंट रिकवरी नहीं हुआ, 300 पॉइंट ऊपर चला गया। अगर आज अमेरिका के डाउ जोन्स की बात करूं मैं, 33,040 का ओपनिंग है, 32,846 का लो है, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग लगभग ओपन होने के बाद 200 पॉइंट और 200 पॉइंट्स और गिरा। एंड उसके बाद जो रिकवरी है उसमें हाई लगाए 33,470 का, यानी लोएस्ट पॉइंट से अगर आप देखोगे तो 150 वो और 470, ये लगभग 600 पॉइंट से ज्यादा का मूव दे दिया यूएस मार्केट ने। तो बड़ा उठापटक, बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह कि ये तेजी टिकेगी या नहीं टिकेगी। जॉब्स डाटा तो खराब था, जहां अनुमान था कि 3,36,000 नौकरियां कहीं ना कहीं जाएंगी उसके सामने, 1,76,000 नौकरियां, सॉरी जहां उम्मीद थी कि 1,70,000 नौकरियां मिलेंगी लोगों को, उसके सामने 3,36,000 नौकरियां मिली। जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा रेट है वो अनुमान से काफी ज्यादा ऊपर आया। तो जो अमेरिका है वहां पे अच्छा खासा रोजगार लोगों के पास है, और अमेरिका के लिए यही खराब है। अमेरिका चाहता ही नहीं है कि वहां के लोगों के पास जॉब हो इस समय, क्योंकि यूएस चाहता है कि उनकी इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास पैसा ना हो, जिससे वो कम खर्च करें, जिससे उनका इन्फ्लेशन काबू में आए। इन्फ्लेशन को लेकर जंग चल रही है इस समय वहां पे, मान लीजिए आप। और ऐसे में यूएस मार्केट का इतना वॉलेटाइल होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप देखें तो नैस्डेक इंडेक्स जो 1.5% नीचे था, अभी मोर देन 1% ऊपर है, 2.5% से ज्यादा का मूव नैस्डेक इंडेक्स में आ गया है। डाउ जोन्स 225 पॉइंट्स अभी ऊपर है, S&P 500 1% ऊपर, रसल 2000 मोर देन 1% ऊपर है, विक्स लगभग 4% नीचे है। तो अमेरिका में भारी उठापटक हो रही है, चाहे यूएस मार्केट की बात कर लो या ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स की बात कर लो। ट्रेजरी यील्ड्स की बात की जाए तो एक समय पे ये ऊपर थे और अभी घटते हुए दिखे हैं बहुत तेजी से। ट्रेजरी यील्ड्स यानी कि अगर ये ऊपर जा रहे हैं दैट मींस रेट हाइक आएगा, और नहीं जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं तो रेट कट तो देखो होगा नहीं, सस्टेन हो सकता है, अनचेंज आ सकता है। तो बहुत ही मुश्किल हो गया यूएस मार्केट इस समय समझना, मतलब प्रिडिक्ट करना। मैंने खुद ही आपके साथ एक 6:30 बजे वीडियो शूट करी कि भैया डाटा खराब आया है, डाउ जोन्स टूट गया 250 पॉइंट, शार्प करेक्शन, एंड अभी आप देखो क्या हाल है। तो ओवरसोल्ड कह सकते हैं आप, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि भैया अमेरिका ऑलरेडी आपका 2,000 पॉइंट टूट चुका है अगर आप हाई से देखें तो, बीते एक महीने में अभी उछाल मारता है हुआ दिख रहा है। ऐसे में गिफ्ट निफ्टी जो 50 पॉइंट नीचे थे अभी लगभग 90 पॉइंट ऊपर आते हुए दिख रही है। तो बहुत ही शार्प मूव आ रहे हैं जो भी है यूएस मार्केट में इस समय, चाहे आप मार्केट के हिसाब से देख लो, ट्रेजरी यील्ड्स के हिसाब से देख लो, या फिर खबरों के हिसाब से देख लो। अब मैं आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अमेरिका के बारे में शेयर करूं तो कुछ खास नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वही है, 3.8% पे आया अनुमान, 3.7% का था, ज्यादा आया अनुमान से। अगर जॉब्स की बात करी जाए तो 3,36,000 नौकरियां चली गई, 1,70,000 नौकरियों का अनुमान था। FIDIs का अगर आज का डाटा देखें हम तो बहुत ही छोटा डाटा है। FIIs 90 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, तो DIIs 783 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो ये अच्छी बात है। DIIs कंटिन्यू खरीद रहे हैं बट FIIs बेचने से रुक नहीं रहे हैं। कल का जो ऑप्शंस का डाटा था वो अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करता हुआ दिखा है, 70,000 करोड़ की सेलिंग ऑप्शंस में। कल ये जो एक्सपायरी हुई है और मार्केट वहीं का वहीं बंद हो गया, इसके पीछे यही रीजन था, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉल पुट दोनों बेची हैं और दबा के पैसा छापा है FIIs ने। और ये डाटा मतलब मैंने तो देखा ही नहीं 70,000 करोड़ की कब लास्ट टाइम ऑप्शंस में ट्रेड हुआ होगा। बीते दो ट्रेडिंग सेशन में देखूं तो 4 अक्टूबर को 40,000 और 5 अक्टूबर को 70,000, उससे पहले अगर मैं पुराना कितना भी देख लूं पूरे अगस्त सीरीज में मेरे को देखने को नहीं मिलेगा इतना बड़ा डाटा। तो सिंगल डे का बहुत बड़ा डाटा आया था ऑप्शंस में कल। बाकी FIIs डेली बेस पे बेच रहे हैं, DIIs डेली बेस पे खरीद रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और भारतीय बाजार आउट परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी इकोनॉमी अच्छी है। बात की जाए आज RBI की पॉलिसी पे, जहां पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, कमेंट्री बिल्कुल एकदम स्टेबल कमेंट्री थी, स्टेबल पॉलिसी थी, कुछ ऊपर नीचे नहीं था इस पॉलिसी में, इसीलिए बाजार ने इसको थम्सअप दे दिया। अमेरिका के बाजार अगर आज ऊपर बंद होने में कामयाब रहते हैं
तो फिर भारतीय बाजार मंडे एक सेटअप बना रहे हैं अच्छा, और आज नीचे चले गए तो फिर मंडे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हुए दिखेगी। बाकी डाटा तो खराब था बट पॉजिटिव रिएक्शन अपने आप में एक सरप्राइज हो जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।